जाना है तो उसी तरफ से जाएंगे तो आपको पता है किधर से। अरे ऐसा तो इसमें कितने मेंबर थे? चार मेंबर है, चारों निकले। उनके साथ कोई बच्चा, कोई बूढ़ा आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग, कोई बच्चा क्या? कोई नहीं है बच्चा। छह बजे लड़की और दो बच्चे। अब उसमें निकाले मलाव तो निकालेंगे हम, ऐसी बात नहीं, पूरा सच में कितना निकालेंगे हम। फिर भी ये नहीं होगी कोई अंदर दबा रहा है, हमारे भी थोड़ा सा पड़ा तो हमने तो चला है जोर जोर से। अच्छा अच्छा ठीक है, बचाओ बचाओ। कैसे हुआ, क्या हुआ बताओ? हम बाहर बैठे थे, ठीक है, घर के बाहर, मेरे घर के बाहर मैं बैठा था। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके मैं लेटा, लेटने के बाद एकदम से आवाज आई, जोर से आवाज आई। तो हम सब भागे बाहर, बाहर भागे तो देखा सामने वाले मकान की पूरी छत नीचे आके धड़ाधड़ गिर रही थी, ठीक है। उसके बाद सब आए, भीड़ हुई वहाँ पर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, फिर सब ने मदद करी, ठीक है। जितने भी बच्चे थे, जवान नवयुवक, सारों ने मदद करी है वहाँ पर, ठीक है। पत्थर हटाए, महिलाओं को पहले तो जेंट्स को निकाला, जेंट्स को भेजा, ठीक है, MDM मुथरादास। फिर महिलाओं को निकाला, महिलाओं को पुलिस की जीप के अंदर हम लेके आए। अब अच्छा, आप यहाँ MGH में किस किस को लाए हो, क्या स्थिति है उनकी? तो स्थिति ये है सर, वो दोनों डेट हो गई है, उनको एक्सपायर हो गए। किन किन को लेके आए? कोमल है और नैनी देवी है। अच्छा, कोमल कौन है और नैनी देवी क्या लगती थी? नैनी देवी कोमल की सास थी, ठीक है, और कोमल उनकी बेटे बहु लगती थी, बड़े लड़के की। कोमल क्या प्रेग्नेंट भी थी? हाँ, प्रेग्नेंट भी थी कोमल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है।
दीपक जी, ये जब हादसा हुआ था क्या तेज हवा आई थी या क्या हुआ था? तेज आंधी चल रही थी, तूफान था, तेज हवा थी, ठीक है, तेज हवा थी, उसके बाद धड़ाधड़ नीचे आ गया पूरा। ये मकान तो अभी नया ही बना था। कौन सा? ये नैनी देवी जी वाला? नहीं, मकान तो इनका पुराना ही है, पास वाला नया बना था। बिल्डिंग एक पास में है, बिल्डिंग वो नई बनी थी। तो क्या उसकी दीवार इसके मकान? अब सर वो इतना मेरे को मालूम नहीं, मैं तो अड़बड़ाहट में आया, इनको लेके आया पुलिस की जीप के अंदर, यहाँ लिया है सीधे, हम कुछ भी नहीं देखे वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कंडीशन देखी नहीं वहाँ की, सिचुएशन हमने देखी नहीं वहाँ की क्या है क्या नहीं। हम तो डेड बॉडियाँ निकाले और दमादम हम पुलिस की जीप के अंदर लेके आ गए यहाँ पर। 11:30 बजे की रात्रि के आसपास की घटना है, जिसमें उस टाइम पे सारी रेस्क्यू टीम पहुंची। घर रसल रोड के आसपास जो कोलैप्स हुआ, छत कोलैप्स हुई, उसमें 4 लोग घर के अंदर पाए गए, जिनको MGH हॉस्पिटल, 2 लोगों को और 2 लोगों को अंतिम हॉस्पिटल लाया गया। और यहाँ हॉस्पिटल में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 परिवार के सदस्य उनको अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। और 3 जो 4 लोग थे उसमें 2 भाई थे, उनकी मदर थी और 1 की वाइफ थी, 4 लोग थे। और इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस कारण से एग्जैक्टली कोलैप्स को, तेज़ हवा तो चल रही थी रात 11 बजे के बाद, और डिटेल इंक्वायरी इसमें की। जो दीवार खड़ी हुई है वो बहुत कमजोर है, गिर सकती है, तो उसको लेके कुछ आवश्यक है? जो पास में जो घर है उसमें भी उनको बाहर निकलवा दिया गया, और इसमें अभी टीम बुला के उसको कैसे उस दीवार को वहाँ से हटाया जा सके जो डेंजरस है, और जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को बाहर अभी रहने की जाती है।